उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधे। दोनों ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला। अनंत अंबानी को मां नीता अंबानी, बहन ईशा अंबानी और भाभी श्लोका ने सजाया। पहनाई दूल्हे की शानदार पारंपरिक पगड़ी। अनंत की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, बेटी श्वेता और नाती नातिन के साथ पहुंचे। अभिनेता रजनीकांत अपने परिवार के साथ अनंत राधिका के शादी समारोह में पहुंचे। अभिनेता अनिल कपूर भी वर्ल्ड जियो सेंटर में मौजूद रहे। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे सलमान खान, पत्नी गौरी के साथ शाहरुख खान ने भी ली एंट्री। देसी गर्ल प्रियंका और निक जोनस ने भी लगाए ठुमके। एपी ढिल्लों के साथ दिखी रणवीर सिंह और अनन्या की जुगलबंदी। जियो वर्ल्ड सेंटर में हनी सिंह ने किया परफॉर्म। हनी के गानों पर थिरकती नजर आई बारात। माधुरी ने भी डांस किया। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी साथ। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी और ईशान किशन भी शादी समारोह में पहुंचे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी पिता के साथ नजर आए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव परिवार के साथ मुंबई जियो कन्वेंशन वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी परिवार के साथ शिरकत की। योग गुरु स्वामी रामदेव भी शादी में शामिल हुए। आचार्य बालकृष्ण भी समारोह में मौजूद रहे। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर अपनी पत्नी के साथ अनंत राधिका की शादी में आए। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन भी पूरे परिवार के साथ पहुंचे। पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा। 29,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। शाम 5:30 बजे गोरेगांव के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में पहुंचेंगे। सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शाम 7 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में आईएनएस सचिवालय का दौरा करेंगे। आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करेंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आज। बुधवार को सभी सीटों पर हुई थी वोटिंग। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी 9 कैंडिडेट्स जीते। एमवीए मात्र 2 सीट जीत सकी। 11 सीटों पर हुआ था मतदान। चुनाव में पंकजा मुंडे समेत बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते। पंकजा ने जीत का जश्न मनाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ 2 दिन में दिखेगी कार्रवाई। पहचान कर आलाकमान को बता दिए गए हैं नाम। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिली सीएम ममता बनर्जी ने कहा खेला शुरू हो गया है। चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए जरूर करूंगी कैंपेन। हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। गृहमंत्री ने जारी किया नोटिफिकेशन। इमरजेंसी पर पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के दमनकारी कदम की देश हमेशा एक काले अध्याय के रूप में इसे याद करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार। 10 साल तक पीएम मोदी ने अघोषित आपातकाल लगा रखा था। 4 जून 2024 को इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जयराम रमेश का निशाना। बीजेपी के शासन में अनेकों काले दिन आए, कौन सी तिथि चुनी जाए? सपा चीफ अखिलेश यादव का सवाल। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सोनीपत में एनकाउंटर के दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर्स ढेर। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के बीच विवाद में चली गोलियां। श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना घायल। महिपाल सिंह मकराना का निजी अस्पताल में इलाज जारी। मकराना ने राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग का आरोप लगाया। शिव सिंह शेखावत भी मकराना पर हमला करने का आरोप लगाते नजर आए। कहा दफ्तर में 4 लोग लेकर जबरन घुसे और फायरिंग की। मेरे गनमैन ने मकराना को कंट्रोल किया। देहरादून में पुलिस ने संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ के बक्से को जब्त किया। 5 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ कर रहे हैं बक्सों की जांच। अभी तक किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की नहीं हुई है पुष्टि। ओबीसी और दिव्यांग सर्टिफिकेट विवाद पर केंद्र के जांच बैठाने पर आईएएस पूजा खेडकर ने कहा इस मुद्दे पर बोलने के लिए मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं। नीट पेपर लीक केस में पटना हाईकोर्ट का फैसला। बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों को 15 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात बारिश, जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर। नेपाल यूपी बॉर्डर में करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित पूर्वोत्तर रेलवे का ट्रैक प्रशासन ने मरम्मत का काम किया। शाहजहांपुर में पीलीभीत के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी का लेवल लाल निशान के पार। करीब 70 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को उतारा गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद ली जा रही है। हरदोई और सिद्धार्थनगर के में हाल बेहाल। हरदोई में गर्रा नदी तो सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत खलिहान घर मकान डूबे। आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। नाव का लेना पड़ रहा है सहारा। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया। असम में 9 नदियां डेंजर जोन से ऊपर। नदियों का पानी बढ़ने से दहशत में लोग। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 2 हफ्ते की गिरावट के बाद जबरदस्त उछाल। 5 अरब 16 करोड़ की बढ़त दर्ज। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार की शाम तक बहुमत साबित करने का समय दिया था।
पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे, इस्तीफा दिया। पाकिस्तान के कराची में रह रहे अफगान के लोगों ने सरकार से नागरिकता की मांग की। 3 दशक से ज्यादा कराची में बसा है अफगान समुदाय। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनन पर हमला जारी। सीमावर्ती इलाकों पर की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 4th T20 आज हरारे क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से आगे भारत। 4th मैच जीत सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया।